महाराष्ट्र के कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि सोयाबीन की आवक में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, कीमतों में लगातार तेजी भी जारी रहेगी। किसानों की सोयाबीन की कीमतें ना केवल राज्य में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ रही हैं, क्योंकि मांग के मुकाबले आपूर्ति नहीं है। चूंकि आने वाले कुछ समय तक ये स्थिति बनी रहेगी तो किसानों को इस वर्ष पिछले साल का रिकॉर्ड रेट भी मिल सकता है, इसलिए कृषि जानकार सिर्फ एक महीने के लिए सोयाबीन की बिक्री में खलल ना डालने की सलाह दे रहे हैं। कृषि बाजार समितियों में सोयाबीन की कीमतें 100 रुपये से 150 रुपये प्रति दिन बढ़ रही हैं या फिर स्थिर बनी हुई हैं, इसलिए बाजार का ऐसा कोई माहौल नहीं है जहां कीमतों में अभी कमी आए। इसके अलावा सोयाबीन की आवक में गिरावट के कारण मांग बढ़ रही है। शनिवार को लातूर कृषि उपज मंडी समिति में केवल 1000 सोयाबीन की बोरी पहुंची थी, जबकि औसत दर 6500 थी। लातूर जिले में बड़ी संख्या में खाद्य तेल प्रसंस्करण उद्योग है, इन उद्यमियों से अधिक सोयाबीन की खरीद की जा रही है। सोयाबीन की खरीद न केवल कृषि उपज मंडी समितियों में बल्कि मुख्य गांवों में भी स्थानीय खरीदारी केंद्रों के माध्यम से भी की जा रही है। हालांकि ऐसे खरीद केंद्र में ऊंची कीमतें मिलने के बावजूद किसान सोयाबीन को बिक्री के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि भंडारण पर ध्यान दे रहे हैं। पहले 4600 रुपये के भाव में बाजार समिति को 15000 से 18000 सोयाबीन की बोरी मिलती थी, लेकिन अब दरें बढ़कर 6500 हो गई हैं। फिर भी शनिवार को सोयाबीन की सिर्फ 10000 बोरी ही मंडी में पहुंची। किसानों को उम्मीद है कि इस साल सोयाबीन की रिकॉर्ड कीमत मिल सकती है। लातूर कृषि उपज मंडी समिति में उस्मानाबाद, बीड, कर्नाटक और बीदर से सोयाबीन की आवक रहती है, लेकिन इस साल अधिकांश आवक केवल जिले भर से है। अभी तक अन्य जिलों के किसान सोयाबीन को बिक्री के लिए नहीं लाए हैं, इसलिए किसान बिना रिकॉर्ड रेट के सोयाबीन बेचने को तैयार नहीं है। इस बीच सोयाबीन के आयात का मुद्दा चर्चा का विषय रहा, इसलिए अगर सोयाबीन का दोबारा आयात किया जाता है तो इसका सीधा असर सोयाबीन की कीमतों पर पड़ेगा। हालांकि सोयाबीन आयात का किसान विरोध कर रहे हैं, तो वहीं राज्य सरकार ने भी सोयाबीन आयात का विरोध किया है। वहीं दूसरी ओर अनाज भंडारण की सीमा भी हटा दी गई है। अब व्यापारी उद्यमी बड़ी मात्रा में स्टॉक जमा करने लगे हैं, नतीजतन इसकी दरें बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।